हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं सरीना, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी सीरीज। और क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल साइंस का पोर्शन जो होता है अपना। अब देखिए, क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो हर एग्जाम में ये आपके आती है, जिसमें हम बात करते हैं जनरल साइंस के पोर्शन उसमें। और अगर हम बात करें कि स्कूल बैकग्राउंड के बच्चों की, तो उनको भी एनसीईआरटी पढ़नी तो जरूरी होती है। तो आज मैं कोई अनदर पीडीएफ नहीं, कोई अलग से कुछ नहीं, एनसीईआरटी को ही देखेंगे। क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं ये चीज़ें देखती हूँ कि बच्चे एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि मैडम एनसीईआरटी को कैसे पढ़े, एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका क्या है, एनसीईआरटी से कंक्लूजन कैसे निकालें। तो आज आपके सामने है एनसीईआरटी, ठीक है, और आपको कैसे पढ़ना है। और जो भी बच्चा पढ़ेगा एनसीईआरटी को, कोशिश करो कि साथ लेके बैठो, और साथ लेके बैठने के बाद एनसीईआरटी को अच्छे से आपको मैं बताऊंगी कि कैसे आपको चीज़ों को पढ़ना है, और एट द एंड हम कंक्लूजन पर कैसे पहुंचेंगे। और ये मेरा विश्वास है कि अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आप क्लास को एंजॉय करेंगे। हम क्लास में कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टू द पॉइंट चलेंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कम समय में अच्छा कंटेंट और अच्छी नॉलेज हम बना सकें, ठीक है। तो देखिएगा, आपके सामने है क्लास नाइन्थ के साइंस का चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर जो है वो पदार्थ, ये पढ़ेंगे हम। तो देखिएगा क्या कह रहा है, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, देखिएगा ध्यान से, तो वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया, ठीक है, विद डिफरेंट शेप साइज एंड टेक्सचर। ये कह रहा है कि जैसे ही अगर हम हमारे चारों ओर सराउंडिंग में देखें तो हमें जो चीजें नजर आएंगी उसका साइज अलग होगा, शेप अलग होगी, उसका टेक्सचर अलग होगा। जैसे अभी मैं आपके सामने अगर एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, मेरे सामने ये फोन है, इसकी शेप अलग है, ठीक है, मेरे सामने ये बोतल है, इसकी शेप अलग है, साइज अलग है, इनका टेक्सचर अलग है, ठीक है। तो इसी तरह से कह रहा है कि जब आप सराउंडिंग में देखते हो तो आपके पास जो चीजें होती है उनमें जो है ना उनका शेप अलग होता है, साइज डिफरेंट होती है, टेक्सचर अलग होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव द नेम्ड मैटर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया, मैटर कह रहा है यूनिवर्स में जो भी चीज है उसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है, साइंटिस्ट ने उसको बोला है मैटर। क्या बोल दिया उसको, मैटर बोल दिया है। तो मतलब क्या, मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, वो आपके पास क्या होगा, मैटर होगा। अब देखिए, द एयर वी ब्रीथ कह रहा है वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, द फूड वी ईट वो खाना जो हम खाते हैं, ठीक है, उसके बाद स्टोन जो पत्थर होते हैं, क्लाउड्स स्टार्स प्लांट्स एंड एनिमल्स इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वॉटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, कह रहे पानी की छोटी सी भी बूंद या फिर मिट्टी के छोटे से भी कण, एवरीथिंग इज मैटर, कह रहे हर चीज क्या है, मैटर है। मैंने आपको कहा ना, जैसे अगर मैं इस पेन की ही बात करूं तो ये भी मैटर है, ठीक है, जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं ये आपके सामने बोर्ड है, ये भी एक मैटर है। तो कोई भी ऐसी चीज जो लिविंग है या नॉन लिविंग है, हमारे सराउंडिंग में चारों ओर प्रेजेंट है, वो आपके पास क्या होगा, मैटर होगा। ये बात आई यहां पर। तो वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट All the thing mentioned above, कह रहा जितनी भी चीजें हमने ऊपर mention की है, they occupy space and have mass, वो space occupy करती है और उनका कोई ना कोई mass होता है। अभी मैं आपको example देती हूँ, जैसे मैंने बात कर ली इस bottle की, तो ये bottle जो है ना, अगर मैं इसको ऐसे रखूंगी तो ये space occupy करेगी और इसका अपना कुछ ना कुछ मास जरूर है, ठीक है। तो कह रहा था सराउंडिंग में अपने कोई भी चीज है वो मैटर है, इसका मतलब उस मैटर क्या है, मैटर क्या होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ ना कुछ अपना क्या हो, मास हो, वो आपके पास मैटर की बात आती है। चलो जी देखिएगा, उसके बाद अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो आपके पास क्या कह रहा है, देखो, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, कह रहा है जो मैटर होता है ना उसके पास दोनों होते हैं, क्या, मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। तो अभी तक की अगर मैं अपनी इंपॉर्टेंट बात करूं तो हमने पढ़ा मैटर क्या होता है, एनीथिंग अराउंड अस इज नोन एज मैटर, कोई भी चीज जो हमारे चारों है उसे मैटर कहा जाएगा, पदार्थ कहा जाएगा, ठीक है। और मैटर में अगर हम बात करें तो उसकी क्या खास बात होती है, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, कोई भी ऐसी चीज जिसका मास है जिसका वॉल्यूम है वो मैटर कहलाएगा। चलो जी बात सिंपल। तो मैंने जो जो अंडरलाइन किया ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त इसको ऐसे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अगर मैं बात करूं हमारे पास ये जो है ये क्या कह रहा है, तो अगर हम चलें इसके बाद, ठीक है, तो हम इस पैराग्राफ पे आते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या बात आती है, ठीक है। तो देखिएगा, बात करते हैं, सिंस अर्ली टाइम्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, कह रहा है काफी समय से जो इंसान है वो अपने वातावरण को देखना चाह रहा है कि अपने चारों ओर क्या चीजें हैं, ठीक है। अब जब वो देखना चाह रहा है तो अर्ली इंडियन फिलोसफर, ये इंपॉर्टेंट लाइन, इंडियन जो फिलोसफर है उन्होंने कहा है, मैटर आर
क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स. ये ध्यान रखना, जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे, जो हमारे भारतीय दार्शनिक थे, उन्होंने कहा है कि जो मैटर होता है ना, वो फाइव बेसिक एलिमेंट से मिलकर के बना होता है. बात करते हैं बच्चों, वो फाइव बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट देखिएगा, ठीक है. और जिसको इन्होंने नाम दिया क्या, इन्होंने कहा पंच तत्वा. क्या कहा, पंच तत्वा, ठीक है. तो इंडियन फिलोसफर ने कहा कि मैटर पंच तत्वों से मिलकर बना है, दैट इज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वॉटर, जिसको हम बोलते हैं हवा, जल, अग्नि, आसमान तथा पृथ्वी, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, देखो आगे ना बात, कि कोई भी चीज जो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है, वाज मेड अप ऑफ दीज फाइव बेसिक एलिमेंट्स. इंडियन फिलोसफर ने कहा कोई भी चीज, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो इन फाइव बेसिक एलिमेंट से मिलकर के बनी है, ठीक है. और ग्रीक फिलोसफर्स ने क्या कहा था, उन्होंने भी सेम ऐसी बात कही थी, पर उन्होंने कहा था कि जो मैटर बना है ना, वो किससे मिलकर के बना है, वो फोर बेसिक एलिमेंट से मिलकर के बना है. ये ही थे, बस इनमें क्या था, ग्रीक फिलोसफर के अकॉर्डिंग स्काई नहीं था. क्या नहीं था, स्काई नहीं था, बाकी सारी चीजों को इन्होंने कंसिडर किया था. तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ग्रीक फिलोसफर्स का तो कहना था, ठीक है, कि कोई भी जो मैटर है वो चार चीजों से मिलकर बना है, और इंडियन फिलोसफर्स जो है उनका कहना था कि जो मैटर है वो आपकी कितनी चीजों से मिलकर बना है, पांच चीजों से मिलकर के बना है. ये आपको ध्यान रखना है. और देखिएगा अब मॉडर्न डे, उसके बाद आपने देखा है, ये पुराने टाइम की बात है, जब फिलोसफर्स, जब भारतीय दार्शनिक, यूनान के दार्शनिक ये होते थे. धीरे धीरे साइंस ने तरक्की कर ली, और जब साइंस ने तरक्की की तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो साइंस है उसने एक मॉडर्न युग में आ गई है. तो मॉडर्न एरा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मॉडर्न डे में साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि मैटर जो है उसकी दो तरह की प्रॉपर्टी होती है. एक होती है कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होती है कौन सी, केमिकल नेचर. तो मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर मैटर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है. तो मॉडर्न साइंस क्या कहती है, मैटर आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, क्लियर, ठीक है. तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम क्या पढ़ेंगे, हम उसकी बात करते हैं. देखिएगा अगर हम यहाँ पर बात करें, इस चैप्टर में जो हम चीजें देखेंगे वो क्या देखेंगे, तो यहां पर आइएगा, ठीक है. अब अगर देखो, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है. इस चैप्टर में आपको मैटर को पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम मैटर को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. अब अगर मैं थोड़ी बात कर लेती हूँ कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का अर्थ होता है कि कोई भी जो मैटर है उसकी जो आउटर चीजें होती है, कि उसका साइज क्या है, ठीक है, वो मैटर की अगर हम बात करें कि उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, उसकी स्मेल कैसी है, ठीक है, वो सारी चीज़, उसका कलर कैसा है, वो मैटर होता है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो भाई वो चीज़ किस चीज़ की बनी हुई है, मतलब उसका कंपोजिशन क्या है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज. समझ में आई बात, अब देखिएगा, ठीक है. तो अपने को इस चैप्टर में सिर्फ क्या पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है. आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब देखिए, ये जो चीज मैंने आपको पढ़ाई, इसको मैं एक बार के लिए फटाफट समराइज कर देती हूँ कि मैंने आपको क्या चीज बताई है इसके अंदर. देखिएगा ध्यान से, तो आप यहां से देखेंगे, और मैंने आपसे बात की कि अब मैं समराइज कर रही हूं जो चीज हमने पढ़ी है, बस जस्ट उसको हमने बात की कि जो मैटर है, ठीक है, मैटर क्या होता है. अगर मैं इसको सिंपल कहूं, कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी एनीथिंग अराउंड अस, ध्यान से समझना, एनीथिंग अराउंड अस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. कोई भी ऐसी चीज अपने सराउंडिंग में जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, जिसका अपना मास हो, उसे मैटर कहा जाता है, ठीक है. फिर हमारे साइंटिस्ट ने कहा कि वो लिविंग भी हो सकते हैं, वो आपके पास क्या है, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो, एनीथिंग बोल दिया ना, तो लिविंग हो आइदर नॉन लिविंग, ठीक है, दोनों आपके पास चीजें चलेंगी, चाहे लिविंग हो चाहे आपके पास क्या हो, नॉन लिविंग हो. अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, उसके बाद फिर हमने कहा कि इंडियन फिलोसफर्स ने कहा है, ठीक है, इंडियन फिलोसफर्स, भारतीय दार्शनिक ने क्या कहा है, ठीक है, इंडियन फिलोसफर्स ने कहा है कि मैटर को हम किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, फाइव बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है, फाइव बेसिक एलिमेंट्स हैं मैटर के, और वो फाइव बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं, उसको नाम दिया है क्या, पंच तत्वा. क्या नाम दिया है भाई, पंच तत्वा, ये इंडियन फिलोसफर ने कहा है, ठीक है, पंच तत्वा नाम दिया है. और अगर मैं आपके पास बात करूं किसकी, अगर मैं आपके पास बात कर लूं किसकी भाई, ग्रीक फिलोसफर्स की, ठीक है, कि अगर मैं कहूं ग्रीक फिलोसफर ने क्या कहा, तो ग्रीक फिलोसफर ने ये कहा कि जो मैटर है वो फोर बेसिक एलिमेंट से मिलकर के बना है, और वो फोर एलिमेंट्स, ठीक है. तो फाइव कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात करते हैं स्काई, ठीक है, फिर बात करते हैं एयर, फिर बात करते हैं अर्थ,
फिर बात करते हैं फायर, फिर बात करते हैं वोटर. क्या बात करते हैं? वोटर. ये फाइव बेसिक एलिमेंट थे. इसमें कौन सा एलिमेंट नहीं था? बाकी ये चारों थे. इसमें स्काई को कंसिडर नहीं किया ग्रीक फिलोसफर्स ने. तो अभी तक ये बात आई. फिर हमारे पास जो मॉडर्न साइंस थी उसने क्या कह दिया? अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मॉडर्न साइंस ने हमारे पास क्या कह दिया? मॉडर्न साइंस ने ये कहा, जो आधुनिक विज्ञान है, इसने कहा कि जो भी आपके पास मैटर है, आप उसको उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैटर की एक प्रॉपर्टी होगी जिसे अपन बोलेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरी प्रॉपर्टी होगी जिसे अपन बोलेंगे क्या? केमिकल क्लासिफिकेशन. बोला मैटर को आप इस बेस पर पढ़ सकते हैं. ठीक है, ये बात कह दी. फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन किसके बेस पर बांटा है मैटर को? उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पर. किसके बेस पर बांटा है? उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पर. इस चैप्टर में अपने को जो सिर्फ देखना है वो आपको क्या देखना है? इस चैप्टर में आपको सिर्फ देखनी है कौन सी प्रॉपर्टी आपको देखनी है? फिजिकल क्लासिफिकेशन, ये पढ़ना है. और अगर मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, तो वो होता है कि किसी भी चीज को देख करके, जैसे ये मार्कर है भाई, इसका कलर कैसा है? ब्लैक, ब्लैक है. ठीक है, ये ऐसा चलता है. ठीक है, ये देखने में ऐसा थोड़ा लंबा लंबा और गोल गोल है, इसका मतलब ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है. केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? मैं ये देखना चाहूंगी ये किस चीज का बना हुआ है, इसके अंदर क्या है, वो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है जो इसके कंपोजिशन के बारे में बात करेगी. अब देखिएगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो मैटर जो होता है उसको फाइव कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. मैटर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है? फाइव कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ये ध्यान रखना. अब वो फाइव कैटेगरी कौन कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि मैटर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है? फाइव कैटेगरी में. ठीक है, वो आपके पास पहला है सॉलिड, तीन सभी जानते होंगे सॉलिड. दूसरा है आपके पास लिक्विड, तीसरा है आपके पास गैस, चौथा है आपके पास प्लाज्मा, पांचवा है आपके पास बीईसी. ठीक है, और बीईसी की फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूं. ठीक है, बीईसी की फुल फॉर्म क्या है? तो वो आपके पास है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. तो हमें इस चैप्टर में कुल मिलाकर के मैटर की ये फाइव स्टेट पढ़नी है. अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, टोटल स्टेट ऑफ मैटर, तो आप कहोगे फाइव, लेकिन मेन स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की मुख्य अवस्था पूछे तो तीन, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस. और टोटल पूछ ले तो आप क्या कहेंगे? फाइव होती है. आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी. अब हम वापस लिए चलते हैं हमारे एनसीईआरटी वाले पेज पर. तो ये चीज़ हमने यहाँ तक डन कर ली. यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको अंडरलाइन किए, हाईलाइट किए, वही आपको भी ध्यान रखना है, आपको भी अंडरलाइन करना है, आपको भी हाईलाइट करने हैं. ठीक है, अब देखिएगा, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है क्या? हमें सिर्फ पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टीज. क्या पढ़नी है हमें? फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है. ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ रहा है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. कि आपने कोई भी मैटर लिया उसका फिजिकल नेचर कैसा है? जैसे ये मार्कर ही है, अगर मुझे इसका नेचर देखना है तो मैं इसके बारे में बात करूंगी भाई ये नेचर कैसा है. ठीक है, तो देखिएगा, अगर फिजिकल नेचर की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर क्या कह रहा है, स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर से. चलो ये आ गया जी आपके पास पॉइंट, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, कह रहा है कोई भी जो मैटर है वो किसका बना होता है? पार्टिकल का बना हुआ होता है. ये बात तो सच है. ये जो मार्कर है आपके पास, ये ऐसे तो नहीं बन गया होगा एकदम, इसमें छोटे 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 पार्टिकल हुए होंगे, फिर तब ये जाकर के क्या है, एक मैटर बना होगा. तो ये सबसे पहली और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैटर किससे मिलकर के बना होता है? पार्टिकल से बनकर के बना होता है. कह रहा है फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट प्रीवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर. कह रहा है बहुत लंबे समय से ना दो स्कूल ये बातें कर रहे थे मैटर के बारे में. एक स्कूल का मानना था कि मैटर टू बी कंटिन्यूस, कि मैटर जो है वो कंटिन्यूस होता है लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, कि जैसे लकड़ी का एक ब्लॉक होता है ना वैसा. दूसरा कह रहा था कि जो मैटर है ना वो पार्टिकल की तरह होता है जैसे मिट्टी. ठीक है, कह रहे दो स्कूल जो है वो लंबे समय से इस चीज पर रिसर्च कर रहे थे कि जो मैटर होता है वो लकड़ी के जो ब्लॉक होता है एक वैसा होता है या तो लकड़ी के बॉक्स के जैसा, और दूसरा स्कूल कह रहा है कि जो मैटर होता है वो कैसा होता है? पार्टिकल, जैसे मिट्टी होती है ना, मिट्टी में जो पार्टिकल होते हैं वैसा होता है. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, कह रहा है तो अब हम देखना चाह रहे हैं, एक एक्टिविटी करेंगे कि जो मैटर जो है वो कंटिन्यूस है या फिर पार्टिकुलेट है. मतलब दोनों स्कूलों में अब कॉम्पिटिशन हो गया. एक तो कह रहा है कि जो
पार्टिकल है, जो मैटर है वो लकड़ी का जो बॉक्स होता है एक वो उसकी तरह है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि जो मैटर है वो जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी के जो कण होते हैं वैसा है। तो इसको देखने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी से समझते हैं। अब देखिएगा एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त आपको एक पॉइंट का और ध्यान रखना है। अगर आपने ऊपर देखा होगा तो मास पे ये एक स्टार लगा हुआ था, इसका अर्थ क्या है कि जो मास है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। आप सबने देखा होगा जो बार है उसको इसमें मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं, और जो एसआई यूनिट होती है वॉल्यूम की वो क्या होती है, क्यूबिक मीटर। ये भी ध्यान रखना। और कॉमन यूनिट किस में मापते हैं आप वॉल्यूम को, लीटर में, जैसे बोलते हैं 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर ऐसा हम बोल देते हैं, ठीक है। 1 लीटर = 1 डेसीमीटर क्यूब ये कह सकते हो आप, या फिर 1 लीटर = 1000 ml, या फिर आप कह सकते हो 1 ml = 1 cm³। ये यूनिट का भी आपको ख्याल रखना है। कई बार बहुत सिंपल ही देख ले जाते हैं कि भाई एसआई यूनिट्स क्या होती हैं। एसआई की अगर मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। क्या फुल फॉर्म है इसकी, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। अब देखिएगा इसके बाद हम बात करते हैं इसके जो है ये एक्टिविटी पर बात करेंगे हम, कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो मैटर है वो कंटिन्यूस है या पर्टिकुलेट है। एक्टिविटी को बड़े ध्यान से समझना, यहीं से ही समझ बनती है। देखिए पढ़ते वक्त एक चीज का बहुत ध्यान रखना होता है, आप ना एक बार समझ बना लो, एक बार मेहनत कर लो, उसके बाद चीजें अपने आप होती है। सारा खेल जो है ना वो समझने का है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चीजें आसान हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत बढ़िया लेवल पर कर पाओगे, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा समझ बनाने की, ठीक है। अब देखिएगा हम बात करेंगे हमारे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से इसको, यहाँ इस एक्टिविटी को पढ़ेंगे हम। कौन सी एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं हम, एक्टिविटी 1.1। चलो जी स्टार्ट कर देते हैं। एक्टिविटी क्या कह रही है, एक्टिविटी का अर्थ आप क्या समझते हैं कि यहां पर क्या चीजें हो रही है ये देखना है। कह रहा है 100 ml बीकर लो, देखो ये आपके सामने 100 ml का आपने क्या लिया, बीकर लिया, ठीक है, विद फिल हाफ ऑफ द बीकर विद वॉटर, आपको आधा इसको पानी से भर लिया और मार्क कर दिया, ठीक है। डिजोल्व सम सोल्ट और सुगर, कह रहा है इसमें या तो कोई सोल्ट डाल दो या इसमें क्या डाल दो, सुगर, और विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। जैसे आपने सोल्ट डाला, देखो वॉटर के अंदर क्या सोल्ट डाल दिया, सोल्ट डालने के बाद आपने ग्लास रोड से इसको क्या किया, स्टिर किया। स्टिर का अर्थ होता है बच्चों हिलाना, आपने ग्लास रोड से इसको हिलाया। हिलाओगे तो आप ही बताओ क्या होगा, वॉटर के अंदर सोल्ट क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्व एनी चेंज इन वॉटर लेवल, तो कह रहे क्या आपने वॉटर के लेवल में कोई चेंज देखा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि जब आप, ठीक है, जब आप पानी के अंदर नमक मिलाते हैं तो वाटर के लेवल में कोई चेंज आता है, पहली बात। दूसरा कह रहा है व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सोल्ट, क्या आपने क्या सोचा नमक को क्या हो गया, नमक पानी में घुल गया, ठीक है। तीसरा कह रहा है वेयर डज डिसअपीयर, आपने कहा भाई नमक पानी में घुल गया तो ये कहां चला गया, ठीक है। और डज द लेवल ऑफ वॉटर चेंज, और क्या पानी का लेवल चेंज हुआ। तो देखिएगा ये आपके सामने एक्टिविटी है, इतना ही वॉटर का लेवल था, ये डालने पर इतना ही रहा, तो मुझे नहीं लग रहा कि इसका कोई लेवल चेंज हुआ है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि वॉटर लेवल में कोई चेंज आया, तो हम कहेंगे नो। पहले का आंसर क्या होगा, नो, वॉटर के लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। आप कभी भी करके देख लेना, एक कप पानी लेना, एक ग्लास पानी लेना, उसमें चीनी डालना या नमक डालना, उसके पानी के लेवल में चेंज नहीं आता है। दूसरा कह रहा है तो क्यों, क्योंकि जो सोल्ट है वो डिजोल्व हो गया। चलो डिजोल्व तो गया वो बात सही है, और डिजोल्व होने का अर्थ क्या हुआ कि जो सोल्ट था ना वो जो वॉटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस था ना उसमें चला गया। मान लो ये वॉटर के पार्टिकल थे और इनके बीच में स्पेस था, ये वाला, इस वॉटर, ये तो है जो रेड वाले है ना, ये वॉटर के पार्टिकल है, इसके बीच में जो स्पेस था ना उसमें आपका कौन चला गया, सोल्ट चला गया। मान लो ये वाला, ये सोल्ट है, ये आपका क्या है, सोल्ट है, तो ये बीच में सोल्ट आ गया तो वॉटर के लेवल में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो कह रहे ये कहां अपीयर डिसअपीयर हो गया, तो ये वॉटर के पार्टिकल के बीच में सेट हो गया सोल्ट, समझ में आई बात। तो इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, कह रहा है अब जब आपने इन क्वेश्चन के आंसर दे दिए तो आपको पता चल गया कि मैटर जो है ना वो किसका बना हुआ है, पार्टिकल का बना हुआ है। आप कहोगे जी मैम कैसे पता चला, ऐसे पता चला बच्चों, ठीक है, देखो इसमें स्पेस था, स्पेस था तभी आकर के यहाँ पे रह गया, तो इसका मतलब इसका पार्टिकल नेचर है, अगर कंटिन्यू होता तो वॉटर का लेवल बढ़ता बढ़ता और पार्टिकल उसमें सेटल डाउन ना हो पाते, समझ में आई बात। तो ये आपके पास बात थी। तो व्हाट वॉज देयर इन द स्पून सोल्ट और सुगर हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वॉटर, कह रहा है कि इनमें से एक तो जो चम्मच थी आपकी वो, या आपके पास जो सोल्ट था या सुगर था, उनमें से कौन जो है ना वो पानी में क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। तो कौन स्प्रेड हुआ बताओ, नमक घुल गया पानी में, स्पून थोड़ा ना घुली है। आपने कभी देखा कि आप जो है पानी ऐसे पानी के अंदर नमक डिजोल्व कर रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि जो पानी है उसके अंदर चम्मच घुल गई और नमक नहीं घुला, कभी ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होता। तो कौन स्प्रेड हुआ, हमारा सोल्ट। तो ये आंसर हो गया आपके पास इस एक्टिविटी के, और ये एक्टिविटी आपके सामने परफॉर्म कर रखी है। और देखो व्हेन वी डिजोल्व सोल्ट इन वॉटर द पार्टिकल ऑफ सोल्ट, ठीक है, गेट इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वॉटर, कह रहा है कि जो सोल्ट के पार्टिकल थे, वॉटर का जो पार्टिकल था उसमें जो स्पेस था उसके अंदर चले गए।
इसका मतलब वोटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि कोई भी जो मैटर होता है उसमें पार्टिकल नेचर होता है और उन पार्टिकल के बीच में क्या होता है बच्चों, स्पेस होता है। क्या होता है उन पार्टिकल के बीच में? स्पेस होता है। तो यहाँ से आपने ये बात और सीख ली कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है मैटर के। समझ में आ गई होगी, आई होप आपको। एनसीईआरटी पास में लेके बैठनी है, अंडरलाइन करना है चीज़ों को, आंसर्स लिखने हैं। मैं ना इसको स्लाइड्स की फॉर्म में भी पढ़ा सकती थी, ठीक है, मैं इसके अलग से ऐसे बहुत बेहतरीन से स्लाइड बना के कलरफुल कंटेंट करके, लेकिन मेरा यहाँ पे अर्थ ये है, जब भी मैं पढ़ाती हूँ मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स में ना एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो पूछते हैं एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी से कैसे समझें, और उसका कंक्लूजन पहले मैं आपको पूरा पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको कंक्लूजन भी लिख के दे रही हूँ कि इससे कंक्लूजन क्या निकला। तो अब मैं इस स्लाइड का कंक्लूजन बताऊंगी कि कंक्लूजन क्या निकला, ध्यान से सुनना। इसका कंक्लूजन अभी हमारे पास यही निकला है, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, इसका कंक्लूजन ये निकला है कि जो मैटर है ना वो किसका बना होता है? पार्टिकल का बना होता है। समझ में आई बात? तो क्या कहेंगे हम, यहाँ से हमारे पास अभी तक यही कंक्लूजन निकला है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, पदार्थ जो है वो कणों का बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पहला कंक्लूजन ये हो गया। दूसरी बात, इन मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस। ये हमने एक्टिविटी से सीख लिया। एक्टिविटी जो है ना, ये जो बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके पूछी जाती है। आपके ये जो कंक्लूजन है ना एनसीईआरटी का एट द एंड में जो मैंने आपको बात पढ़ा दी वो मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे लिख दी। जब आप पढ़ रहे होते हो ना तब आपको ध्यान रखना है कि भाई इसमें मेन मेन बातें क्या है वो अंडरलाइन करनी है, और फिर उस पेज का कंक्लूजन कितना सा था वो देखना है। आप देखना जब आप इसको बढ़िया और शानदार तरीके से पढ़ते हैं ना तो सारा जो कंक्लूजन है वो बहुत छोटी सी जगह में आपके पास आ जाता है। तो देखिएगा, अब हम वापस ले चलते हैं अपने स्लाइड पर, ठीक है, और हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके बाद। तो ये आपने कंप्लीट कर लिया कि जो आपके पास जो मैटर है वो किसका बना होता है? पार्टिकल का। ये आपका फर्स्ट पेज भी कंप्लीट हो गया। अब हम इस आर्टिकल पर आएंगे, इसको देखिएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझने की है, बस आप समझ बना लो चीजें आसान हो जाएंगी। चलो बात करते हैं, देखते हैं कैसे, ठीक है। अब कह रहे हैं हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब क्वेश्चन क्या आ गया देखो, पहला क्वेश्चन क्या था कि मैटर किसका बना हुआ है, तो हमने कहा मैटर जो है वो पार्टिकल का बना हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया क्या कि ये जो पार्टिकल है इनका साइज कैसा है, मतलब हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल, इन पार्टिकल का साइज कितना है, ये कैसे हैं, छोटे हैं बड़े हैं, ये देखना आपको। तो ये भी किससे दिखा रहे, एक्टिविटी से कह रहा है टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ, दो या तीन ही क्रिस्टल बोला है, टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पहले तो मैं पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला लिखना चाहूंगी, ठीक है, आप लिखेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, और इसको बच्चों बोलते हैं रेड मेडिसन, इसको लाल दवाई भी कहा जाता है, ठीक है। लाल दवाई के नाम से तो आपने जरूर सुन रखा होगा, इस लाल दवाई को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है? पोटेशियम पर मैग्नेट कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या है? KMnO4। तो कह रहा है क्या, 2-3 क्रिस्टल लो किसके, रेड मेडिसन के, और उसको 100 ml ऑफ वाटर में क्या कर दो, डिजोल्व कर दो। उसके बाद आपको चेंज देखना है कि क्या हो रहा है, तो आप क्या चीजें देखेंगे, ठीक है, और उनके अंदर क्या चेंज हो रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो जी, तो देखिएगा, टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। आप क्या करोगे, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है, मैंने आपको बोला कि इसका कलर होता है पर्पल। कैसा होता है इसका कलर? पर्पल, बैंगनी रंग का होता है, ये ध्यान रखना है। आपने 100 ml का बीकर लिया, उसमें आपने एक चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट डाली, 2-3 क्रिस्टल डाल दिए। अब इसमें से इस 100 ml में इसका कलर कैसा हो गया? पर्पल हो गया। अब आप क्या करो, नेक्स्ट बीकर में इसमें से 10 ml लो और अगले बीकर में डाल दो, इसमें 90 ml वाटर ले लो, फिर इसका 10 ml लो, अगले में डालो, इसमें 90 ml वाटर लो। आप क्या देख रहे हो, धीरे धीरे ये जो पर्पल कलर था ये फेड होने लग गया, मतलब ये रंग फीका पड़ने लग गया। आप देख सकते हो ये रंग फीका पड़ने लग गया, इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, ठीक है, इसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइल्यूटिंग। ये भी ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। वाटर का ऐड करते रहना, वाटर का कंटेंट ज्यादा होते जाना क्या कहलाता है, डाइल्यूशन कहलाता है। तो डाइल्यूशन की वजह से कह रहा है इज द वाटर स्टिल कलर्ड, कह रहा है क्या पानी का रंग अभी भी जो है वो कलरफुल है, तो बिल्कुल है, लेकिन कलर क्या हो गया, थोड़ा फीका हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो पार्टिकल है ना इनका साइज बहुत छोटा होता है, धीरे 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 ये क्या होते जाते हैं, डिसअपियर होते जाते हैं। तो कह रहा है ये पार्टिकल कैसे स्मॉल है आपको पता चल गया होगा, विद एवरी डाइल्यूशन। एवरी डाइल्यूशन का अर्थ है, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं कि जब आपने हर बार पानी ऐड किया तो
द कलर बिकम्स लाइट, कलर क्या होता गया, लाइट होता गया, इट इज स्टिल विजिबल, और ये कलर क्या है, फिर भी आपको दिख रहा है. तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वॉटर. क्या है, तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि 2 से 3 क्रिस्टल लिए आपने किसके, पोटेशियम पर मैग्नेट के, और उसने बहुत सारे 1000 लीटर पानी को क्या कर दिया, कलरफुल कर दिया. इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम पर मैग्नेट के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं इन जस्ट वन क्रिस्टल. पोटेशियम पर मैग्नेट के एक क्रिस्टल में क्या कह रहे हैं, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं. इनका मतलब इन पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. समझ में आई बात, कह रहा है ये सेम एक्टिविटी आप 2 ml ऑफ डिटोल लेके भी कर सकते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट की जगह. आप पोटेशियम पर मैग्नेट की जगह डिटोल ले लो. डिटोल को आप कैसे, कलर से नहीं, आप उसकी स्मेल से देखेंगे तो आप देखेंगे कि फिर भी आपको स्मेल आएगी उसमें. किसी में स्मेल ज्यादा आएगी ज्यादा मात्रा है, तो अगर डिटोल की मात्रा कम है तो उसमें आपको स्मेल कम आएगी. इसका मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल है, जो आपके पास मैटर है, वो किसका बना होता है, मैटर स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ होता है. तो सेकंड पॉइंट आपके पास ये आई, ठीक है, कि जो मैटर जो बना होता है वो किसका, स्मॉल पार्टिकल का. तो इसका जो कंक्लूजन है वो यही है, देखिए ये आपके पास रहा क्या, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. ठीक है, क्या कह रहा है कि जो मैटर के, जो आपके पास जो मैटर के पार्टिकल है, पदार्थ की जो कण है, वो बहुत छोटे हैं, वो इतने छोटे हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब हम उनको नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते. तो आज हम इसको यहां तक रखेंगे, ठीक है. तो इसकी मैं एक बार समरी वाले पॉइंट में आपको ऐड कर देती हूं कि ये नया पॉइंट आपके पास क्या आया, ताकि आप चीजों को समझ पाए. तो पहला पॉइंट ये आया था, दूसरा पॉइंट क्या कि मैटर पार्टिकल का बना हुआ होता है, यस बिल्कुल सही, लेकिन अब क्या कहेंगे, द साइज ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, और इन पार्टिकल का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है. इसके साथ साथ आपने क्या सीखा, मैं फॉर्मूला लिख देती हूं, ठीक है, जो हमने सीखी किसके बारे में, रेड मेडिसिन. क्या देखा हमने, रेड मेडिसिन, लाल दवाई जिसको हमने बोला, जिसका फॉर्मूला क्या था, बोलो, KMnO4, और हम कहेंगे क्या, पोटेशियम पर मैग्नेट. ये लो जी, तो ये हमारे पास क्लास थी. अगर मैं बात करूं, आपने NCERT के अंदर जो पढ़ा स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में यही पढ़ा है, मैटर क्या होता है, मैटर की डिस्कवरी कैसे कैसे हुई, फिर मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग मैटर को कैसे डिवाइड किया जा सकता है, फिर हमने देखा कि मैटर के डेफिनेशन के बाद ये कितने टाइप से होगा क्लासीफाई, फिर हमने देखा कि मैटर के बारे में कुछ बातें, कि मैटर पार्टिकल, मैटर जो होता है वो पार्टिकल का बना हुआ होता है, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और इन पार्टिकल का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है. तो आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा. थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में.